2 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले भारत और बांग्लादेश क्रिकेट मैच के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहा नंदगिरी ने हरिद्वार की कुलदेवी मानी जाने वाली माया देवी मंदिर में मैच के विरोध में सांकेतिक धरना देकर इसकी शुरुआत की। मंदिर परिसर से यति ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ वहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं करने दी जा रही है और दूसरी तरफ हम लोग उसी देश के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध सबूत उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वे विरोध में हरिद्वार अडासमा पीठ में अग्नि समाधि लेंगे। नरसिम्हा नंदगिरी के इस विरोध को हरिद्वार में भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष ने यदि नरसिम्हा नंदगिरी की इस मांग को जायज बताकर इसका समर्थन किया। कोई बात नहीं, तभी तो बनोगे राजा जी। ये जो मैच होने जा रहा है इसको किस तरह बर्बाद करोगे आप? हर हर महादेव। देव भूमि माँ गंगा जी के प्रांगण से आज पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के यति नरसिंहानंद जी आए, इनका आगमन स्वागत किया है। 9 अक्टूबर को जो बांग्लादेश का भारत के साथ मैच है ये रोकने का प्रयास और ये मैच होने देंगे, अब संतों की हुंकार है। और ये देव भूमि हरिद्वार से है, हरिद्वार की हुंकार पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में होती है। अब ली है लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किस तरह के किस हद तक जाओगे आप? जितनी हद तक जाएंगे वो आपको स्वयं दिखाई देगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रणनीति से पूरा काम होगा। जो होगा वो संभव इस मैच को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और जहां तक होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभव है, हम सब कुछ करेंगे। ऐलान किया है, क्या ऐलान है और उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ऐलान तो हमारा सिर्फ ये है कि दिल्ली में बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, हमारा केवल ये ऐलान, और कोई ऐलान है नहीं हमारा। हमारा तो केवल इतना ही ऐलान है कि बांग्लादेश का पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने अभी हमारे लाखों भाइयों को मार दिया, हमारी बहन बेटियों की दुर्गति की, और जहां बांग्लादेश है वहां दुर्गा पूजा के लिए मना कर दिया कि नवरात्र में कोई दुर्गा पूजा नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो ये अपमानजनक और ये अन्यायपूर्ण व्यवहार हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, इसका हर स्थिति में विरोध करना चाहिए। और ये तो अपमान की भी पराकाष्ठा है कि हम उन कातिलों के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। किस हद तक जाएंगे? हर हद तक जाएंगे फिर भी, और अगर नहीं रोक सके तो माँ और महादेव की कृपा रही तो आपके सामने अग्नि समाधि लेंगे। अगर इस मैच को नहीं रोक सके तो अग्नि समाधि लेंगे, पिच भी खोदने की हर तरह से हर कोशिश करेंगे, ये मैच दिल्ली में होने नहीं देंगे। कहां लेंगे समाधि को? सभी समाधि देखिए, अगर गुरु महाराज की आज्ञा रही, मां और महादेव की कृपा रही तो आपके सामने जूना अखाड़े में अग्नि समाधि लेंगे। अगर नहीं रोक पाए तो जूना अखाड़े में अग्नि समाधि लेंगे।